हेलो दोस्तों, मैं योगेश प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक डबल स्टोरी मकान लेके आए हैं बालावाला देहरादून में। दोस्तों, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये मकान है और ये इसका गेट है। इस मकान में दोस्तों 3 बेडरूम आपको मिलते हैं, 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और सिंगल बेडरूम ऊपर है। रेंटल पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। इसके अलावा आप खुद भी इस मकान पर रह सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक फ्लोर आप खुद के लिए रख सकते हैं और दूसरा फ्लोर आप रेंट आउट कर सकते हैं। 2018 का ये बना हुआ मकान है और ओनर इसको अपने पर्सनल रीज़न से इसको सेल आउट कर रहे हैं। उन्होंने खुद के लिए मकान बनाया था। इसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है। जिस स्पेस में मैं अभी खड़ा हूँ, इसमें आप इजीली अपनी एक स्विफ्ट जैसी गाड़ी अच्छे से पार्क कर सकते हो। इस स्पेस में दोस्तों लगभग 14 फीट के आसपास लंबाई है और 8 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। इसमें साथ में आपको बाहर एक स्टोर रूम मिलता है सीढ़ियों पे, जो आपने अभी इससे पहले सीढ़ियों का व्यू देखा होगा, उसी के नीचे आपको दोस्तों एक स्टोर रूम मिलता है छोटा सा, जिसमें आप अपनी बाल्टी वगैरह, जो पेंट वगैरह की बाल्टियाँ होती हैं, वो ईज़िली रख सकते हो। एज अ ओनर ने भी वही चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। अभी इसके बाहर भी आप एक गाड़ी ईज़िली पार्क कर सकते हो, ठीक गेट के सामने जहाँ से आपने वीडियो स्टार्टिंग देखी होगी, वहाँ पर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो इस स्पेस में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट का प्लॉट है, डेड एंड प्लॉट है। और इस स्पेस में आप गाड़ी इजीली एक अपनी लगा सकते हो, मतलब एक बड़ी गाड़ी अंदर लगा सकते हो और एक दूसरी गाड़ी आप बाहर पे लगा सकते हो। साथ ही मेन जो रोड है, जो बालावाला की जो रोड है मेन वाली, उससे हार्डली ये 50-60 मीटर अंदर है। बहुत ईजी अप्रोच है मतलब जो मकान की। आइए दोस्तों, इस मकान में 2 एंट्री हैं जाने की, एक इस तरफ से एक डोर बनाया हुआ है और दूसरा इस तरफ से बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हो कि पाइप आपको दिख रहा होगा, समरसेबल का पाइप है और ओनर ने चारों तरफ से छोड़ी हुई हैं गैलरियाँ, 2.5-3 फीट की गैलरीज वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर छोड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं बोलूँगा ये मिड रेंज हाउस है, मतलब जिस हिसाब से घरों की प्राइसिंग आजकल चल रही है देहरादून में, उस हिसाब से ये मिड रेंज हाउस मैं बोलूँगा इसको। और 147 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है बालावाला देहरादून में। आइए आपको अंदर का टूर करवाते हैं। ये पूरा दोस्तों वुडन का काम हुआ है, सामने आप देख सकते हैं ये टीक और साल की वुड का काम है, ठीक है। आइए, ये दिले वाला दरवाज़ा आप देख सकते हो, कितना प्यारा डिज़ाइन का लग रहा है। साथ ही आपका ये ड्राइंग स्पेस है दोस्तों। इस स्पेस में आपको 2 विंडोज़ मिलती हैं, ठीक सामने और ठीक इधर साइड को, ठीक है। ईस्ट फेसिंग का मकान है तो धूप भी जल्दी सुबह आ जाती है बहुत इजीली। ऊपर आप देख सकते हो कि POP की हुई है और आपको लाइटनिंग की जो स्पेस है वो दिया हुआ, डबल फैन दिए हुए हैं, साइज़ अच्छा खासा है, मतलब यहाँ पे आप ना इजीली 8-10 सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं, एल शेप में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल शेप में भी आप लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों 2 बेडरूम नीचे मिलते हैं आपको और सिंगल बेडरूम ऊपर मिलता है। एक बेडरूम ये है ठीक इसके सामने, आपको एक बेडरूम मिलता है ड्राइंग स्पेस के साथ में। छोटी फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। जो विंडो आप बाहर से देख रहे थे अभी, उस वो विंडो ये वाली है और यहाँ से भी एंट्री है, सेपरेट एंट्री इस बेडरूम की, ठीक है। ये वुडन डोर है कंप्लीट, अभी ओनर ने रिसेंटली पेंट इसमें करवाया, ऑलरेडी उन्होंने रेंट आउट इसको किया हुआ था, वो 12-13 हज़ार रुपये के आसपास उनको अभी रेंट मिल रहा था पूरे घर का। इसका वॉशरूम है, ये छोटे साइज का वॉशरूम है दोस्तों। वेस्टर्न शीट के साथ में ये वॉशरूम है, आप देख सकते हो कि वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज आपको मिलती हैं प्रॉपर, और पीछे भी गैलरी छोटी भी है। यहाँ पे ऑलरेडी AC के लिए या फिर आप अपना कूलर इसमें लगा सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने फिटिंग दी हुई है इसमें। आइए, जैसी ड्राइंग स्पेस के आप बगल में आते हैं आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है, ये वाला डाइनिंग स्पेस है। थोड़ा सा एको आ रहा होगा दोस्तों, खाली मकान है तो एको थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक सामने आपको किचन मिलता है, ईस्ट फेसिंग की तरफ को आपको किचन मिलता है और एक मॉड्यूलर किचन है। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करवा सकते हैं, अगर कोई बायर है उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करा सकते हैं। इस तरीके से कैबिनेट्स दी हुई हैं। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी हमने ऑलरेडी डिटेल्स दी होती हैं मकान की, चाहे वो प्राइसिंग हो, कॉन्टैक्ट डिटेल हो
या फिर WhatsApp डिटेल्स हो, वो सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप प्राइसिंग नहीं बताते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स। इसके ठीक दोस्तों सामने आप देखोगे डाइनिंग स्पेस के, तो आपको एक और बेडरूम मिलता है। ये भी लगभग 10x12 या 11x12 साइज़ का बेडरूम है, वो वाला थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेडरूम था। देखिए आप, रोशनी प्रॉपर है अभी भी, इसमें ग्लास लगे हैं दोस्तों, उसके बाद भी आपको प्रॉपर इसमें रोशनी मिलती है। देखिए कितनी लाइट्स हैं, और पीछे भी गैलरी है 3.5 फीट के आसपास। ओनर बाहर रहते हैं, एक्चुअली मुंबई रहते हैं वो, तो इसीलिए इसको सेल आउट करना चाहते हैं। और बाकी अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती तो आप विज़िट भी इसको कर सकते हैं ना, और छोटा मोटा मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, है ना, जो वर्क है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी वार्डरोब का आपको स्पेस इंटरनल ही मिलता है इसमें, आप देख सकते हैं, इसको आप चेंज भी करा सकते हैं। ये बहुत मतलब स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर मिलता है इसमें। साथ ही जो फ्लोरिंग आप देख रहे हो, ये फ्लोरिंग आपको दोस्तों मिलती है मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है, तो मार्बल फ्लोरिंग है। इसके ठीक ऑपोजिट में यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलता है, जैसे डाइनिंग जो स्पेस है उसके ठीक सामने आपको वॉश बेसिन का स्पेस मिलता है, और यहाँ पे एक मिरर भी इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी इसमें भी आप कुछ अपना रख सकते हैं यहाँ पर, या वॉशिंग मशीन स्पेस इसको बना सकते हैं आप इस वाले स्पेस को। इधर आपको एक वॉशरूम मिलता है, ये थोड़ा सा बड़े साइज का वॉशरूम है उसके कंपेयर में, है ना, और लाइट इसमें प्रॉपर आती है, स्ट्रक्चर प्रॉपर है, और घर पे कोई सीलन वगैरह नहीं है, अभी आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। वैसे तो ओनर ने इसको पेंट करवाया है रिसेंटली, इससे पहले उन्होंने रेंट पे इसको दिया हुआ था। तो इसके बाद में ये तो ग्राउंड फ्लोर की डिटेल्स थी दोस्तों, जो आपने एज इट इज़ देख लिया। इसमें 2 बेडरूम है, 1 किचन है, 1 वॉशरूम है, उसके साथ में ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है जो इसका प्लस पॉइंट है, मतलब चारों तरफ से मकान बिल्कुल खुला हुआ है। सीधे फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आइए, इसकी एंट्री है फर्स्ट फ्लोर की, बैक साइड में भी अभी ओपन है, कुछ कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं। ईजी अप्रोचेबल है, मतलब जो मेन जो बालावाला की रोड जाती है, बहुत ईजी अप्रोचेबल है। ये देखिए ओपन स्पेस है, यहाँ पर छत में आपको पूरा ओपन स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप अपनी सेटिंग कर सकते हो ना, झूला वगैरह आप लगा सकते हो घर पे। इस फेसिंग इस तरफ को पड़ती है आपकी। आइए, अगल बगल पूरे घर बने हुए, आइए, यहाँ पर भी मार्बल फ्लोरिंग आपको मिलती है। इसमें लाइट नहीं है अभी, ये नेचुरल लाइट आप देख रहे हैं, जितनी भी लाइट्स इसमें है ये सारी नेचुरल लाइट है। डबल साइड आपको विंडोज़ मिलती हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। इस स्पेस को आप ड्राइंग स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ नीचे के ड्राइंग स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आप बरामदा देख रहे हैं वो भी इंक्लूड इसमें हो चुका है। यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिलती है डाइनिंग स्पेस में, इसका साइज़ भी सेम है जैसे आप नीचे देख रहे थे, और किचन भी आपको उसी तरीके का मिलता है, सिंक भी आपको उसी तरीके का यहाँ पर मिलता है। किचन में सेम 2 विंडोज़ आपको मिलती हैं, आप देख लीजिए ठीक सामने उसी तरीके का डिज़ाइन है। थोड़ा सा अंधेरा है तो आई थिंक आपको उतना साफ दिखेगा नहीं इसमें। आइए, कोई नहीं, डिज़ाइन आप बैक वाला देख सकते हैं, जो नीचे आपने देखा उसी तरीके का डिज़ाइन है। आइए सीधे बेडरूम पे चलते हैं, ये भी डबल विंडोज़ के साथ में ये बेडरूम है। 1 विंडो आपको इस साइड मिलती है, ठीक है, दूसरी विंडो आपको इस साइड मिलती है, प्रॉपर रोशनी है। इधर आपको वार्डरोब सेक्शन मिलता है, ये पूरा इंटरनल है, दीवार के अंदर है, ये आपको बाहर नहीं दिखेगा इसमें। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार के अंदर है, इसको आप मॉडिफाई भी अपने हिसाब से करवा सकते हैं। साथ ही ऊपर आप देखोगे तो आपको पूरे घर में POP करी भी मिलेगी, POP के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। फ्यूचर में आप अगर आप डिज़ाइन चेंज करवाना चाहें तो आप इसमें ऊपर से फॉल सीलिंग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब और मॉडिफाई करके इस घर को अच्छा बना सकते हो और ब्यूटीफुल बना सकते हो, जैसे वॉलपेपर हो गई, कुछ पेंटिंग्स हो गई उस तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छे बजट में ये घर मिल रहा है दोस्तों। अगर आप लैंड प्राइस और जो घर की प्राइस है उसको कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डील ये हो सकती है, बाकी नेगोशिएशन वगैरह तो
ओनर अपने एंड पे इसमें करेंगे। ये वॉशरूम आप देख सकते हो, उसी साइज का वॉशरूम है जो आपने नीचे देखा, वेस्टर्न सीट के साथ में आता है। प्रॉपर फिटिंग आपको मिलती है, गीजर वगैरह की फिटिंग इसमें दी हुई है, नीचे भी और ऊपर भी। एसी वगैरह भी आप यूज़ करना चाहो तो उसकी भी आपको यहाँ पर फिटिंग मिलती है। प्रॉपर क्लीनिंग स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप रेंट आउट कर सकते हो ऊपर वाले पोर्शन को, या आपकी बड़ी फैमिली है और दो भाई एक साथ रहते हैं तो एक नीचे वाला पोर्शन रख सकते हैं और एक ऊपर वाला पोर्शन रख सकते हैं डिसेंट बजट में। अगर आप लैंड लेके भी कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे ज़्यादा ही पड़ेगा आज के टाइम पे, जिस हिसाब से बालावाला में लैंड प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग कहीं ना कहीं इस मकान के प्राइस से ज़्यादा ही पड़ने वाली है। बाकी मैं अभी जस्ट सीढ़ियों से ऊपर आया और व्यू देखा मैंने दोस्तों, सनलाइट बहुत बढ़िया है, आप धूप सेक सकते हैं, अगल बगल भी लोग धूप सेक रहे हैं अभी यहाँ पर, और अच्छी अच्छी साइड में आप देख अच्छा खच देखेंगे। इस साइड को देखिए आप, पूरा पूरा भरा हुआ दोस्तों, और भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं आसपास। तो ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी बसावट है, आप आके इजीली रह सकते हैं क्योंकि आपका पूरा समय बचेगा एक साल का घर बनाने का। अच्छा घर है, आप ले सकते हैं उसको और आप विज़िट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी हैं डिटेल्स इस घर की, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और आप हमसे शूट करवाना चाहते हैं वीडियो, आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप वीडियो लिस्ट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपने घर की पिक्स के साथ में डिटेल्स भेज सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करें और अपने व्यूअर तक आपकी प्रॉपर्टी को पहुँचाएँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।